क्या क्या सौगात आई? देखिए, सबसे पहले तो खट्टर साहब ने एनसीआर के लिए ही जिनसे बजट के लिए कुछ फंड्स मांगे थे, जिसको टोटल ये दरकिनार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट एक सिंगल पैनी नहीं पैसा इन्होंने दिया। तो वहीं से क्लियर हो जाता है, अगर हम हरियाणा की बात कर दे, कि ये सरकार हरियाणा कुछ देना नहीं चाहती। दूसरी बात, अभी मोनिका जी ने बहुत अच्छी एजुकेशन के बारे में बताई है, ये सरकार नए स्कूल कॉलेजेस खुलने की बजाय उनको बंद करने का काम कर रही है, जबकि बजट के अंदर सबसे मेन फोकस हमारा एजुकेशन पे होना चाहिए था, जिसको इन्होंने टोटली दरकिनार कर दिया। इनको पता है अगर पढ़ेगा तो सवाल करेगा भारत, इसलिए हम चाहते ही नहीं कि पढ़ाई हो, इसीलिए इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। स्वास्थ्य की बात करते हैं, वहां बजट देखिए। रेलवे की बात करते हैं, वहां बजट देखिए। कहने का मतलब, पर आज जिस टॉपिक पे आप आए थे कि हम रसोई की बात कर रहे थे, और हमारा भी यही मानना है कि मैक्सिमम जो निम्न वर्ग है वो 10 से 15 हजार वाला है, और इस बार बीजेपी सरकार ने जो तेल और मैं कहूंगी ये अपना बिजली, उसके बाद आपका गैस सिलेंडर, दूध, ये सब चीजें उनकी पहुंच से दूर हो गई है। और मुझे तो लगता है आने वाले समय में ना दूध अब बच्चों को इंजेक्शन में दिया जाएगा, वो समय ही चला गया जो पहले खुलकर दूध पीने वाला था। एंड द सबसे बड़ी बात हरियाणा में, मैडम अभी सड़कों की बात कर रही थी, जिस शहर में मैं रह रही हूँ, इतना चलने वाला सड़क है, 10 साल से हम रो रहे हैं इस सरकार को, वो सड़क नहीं बनी है। तो ये सड़क की बात भी गलत करते हैं, बेमानी करते हैं, तो इनका बजट जाता कहाँ है? ये घोटालों की बात अगर आए, आपने देखा होगा फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का एमसीएफ में घोटाला हुआ, जिसका आज तक पता नहीं लगा कि कहाँ गया। तो इन लोगों के बजट तो पास होते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। निम्न वर्ग के आज 10 से 15 हजार सैलरी वालों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को है। तो ये तो सवालों का घेरे में खुद खड़े हैं, पर जब जवाब देने की बारी आती है तो मैं तो एक बात जानती हूँ, मैं आज तक जिस डिबेट में गई हूँ, जब जवाब देने की बात आती है ये सिर्फ मन की बात करते हैं और वहां से निकल लेते हैं, ये आम जनता की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। जनता के बीच में आकर अगर ये सवाल, ये फिर कह रही है कि उपचुनाव जीती है, मैं इनसे कहना चाहूंगी बाय इलेक्शन नॉर्मली कोई भी सरकार रही हो वही जीती है, इसमें इन्होंने कोई नए झंडे नहीं गाड़े हैं कि इन्होंने कुछ अनोखा काम कर दिया, बाय इलेक्शन हमेशा सरकार के होते हैं। इस बार हरियाणा की जनता डेफिनेटली इनको दिखाएगी कि इस बार हरियाणा की जनता इनसे क्या चाहती है, ये इन्हें बहुत क्लियर अब जल्द आने वाले समय में नजर आ जाएगा। इसी ये प्रोपोगंडा जिनके स्टार्ट हो जाते हैं, ये धर्म के नाम पे बहुत बहुत ज्यादा राजनीति करते हैं, पर धर्म ना मुझे एजुकेशन देगा, मैं बुरा मत मानिएगा, धर्म अपनी जगह है, रिस्पेक्टेबल है, सारे धर्म रिस्पेक्टेबल है, पर एजुकेशन उससे पहले, मेडिकल उससे पहले, सड़कें उससे पहले, ये सारी बेसिक चीजें आम लोगों को चाहिए, वो उन्हें दीजिए, उसके बाद आगे की बात कीजिए। ये सवाल आने वाली हरियाणा की जनता इनसे जरूर पूछेगा और इसका जवाब इन्हें बहुत जल्द मिलेगा भी। बिल्कुल। लेकिन पन्नू जी, आप कहते हैं कि बजट अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं। आपकी बातों से जनता सहमत क्यों नहीं दिखाई देती? आप जिस भी उपचुनाव में जाते हैं, एलनाबाद को आप छोड़ दीजिएगा, वहां से आपकी मत पेटी खाली क्यों रह जाती है? अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो जनता आपसे सहमत दिखाई देनी चाहिए ना, जो दिखाई नहीं देती है। यशपाजी, वो कई बार आपने चश्मा देखा ना 3D का, वो जब उतार के देखते कुछ अलग नजर आता है। हरियाणा की जनता इस बार आप मत कहिए, इस बार उनको नजर आना शुरू हो चुका है कि जो बीजेपी ने उनको दिखाया था वो सब्ज बाग थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब हरियाणा की जनता इस चीज को बहुत क्लियरली समझ गई। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2024 कोई बहुत दूर नहीं है, इसमें आपको बहुत क्लियर नजर आ जाएगा कि बीजेपी आपको कहां खड़ी नजर आएगी। वो चश्मा उतर चुका है, समय लगता है।